दोस्तों दैट्स द पावर। मैंने 2019 में एक साइकिल रैली की पुणे से लेके न्यू दिल्ली तक का साइकिल रैली, एंड आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मेरा वेट था 95 kg। एंड मैंने जिंदगी में कभी साइकिलिंग कभी की नहीं थी, एक भी दिन मैंने साइकिलिंग नहीं की थी। 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया था साइकिल रैली, ये सोच के कि 3 महीने में अपन प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन बिजी शेड्यूल, ट्रैवल प्रेशर काम का, और अब 15-20 दिन साइकिल चलाने जाना है, उसके पहले सारे काम निपटाने, ऐसा प्रेशर बिल्ड हुआ कि जिंदगी में कभी भी मैं एक दिन भी प्रैक्टिस को दे नहीं पाया। एक दिन मैं साइकिल लेके 15-20 किलोमीटर प्रैक्टिस के लिए गया, वहां एक छोटी सी चढ़ाई आई, वो चढ़ाई मुझसे चढ़ी नहीं, मेरे को उतरना पड़ा साइकिल से और फिर वो साइकिल चढ़ानी पड़ी, और जब मैं चढ़ाया तो वापस से घर आना मेरे लिए मुश्किल हो गया। ये एक दिन मुझे याद है जब मैंने प्रैक्टिस की थी। वो दिन आ गया जब हमें साइकिल रैली शुरू करनी थी, और पहले दिन 74 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई, दूसरे दिन मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन दूसरे दिन 150 किलोमीटर साइकिल चलाई, तीसरे दिन 157 किलोमीटर साइकिल चलाई, एंड मैं सबसे पीछे था, मेरी बॉडी पूरी टायर्ड हो चुकी थी, लेकिन विल पावर, माइंड ने कहा एक कदम और, क्योंकि वो माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस था, एक और पैडल करते करते 150 किलोमीटर हो जाता था। हालत तो मेरी 10-15-20 किलोमीटर में ही पतली हो जाती थी, लेकिन कैसे कैसे करते करते 140-150 किलोमीटर हो जाता था। सातवें दिन तक मेरी हालत खराब रही, आठवें दिन मैं रेस में सबसे आगे था, आठवें दिन मैं पूरी साइकिल रैली में सबसे आगे था। पैडल फॉर चेंज करके हमने ये साइकिल रैली की थी दोस्तों, और हमारी साइकिल रैली के इस आयोजन में 9 सीनियर सिटीजंस थे, 9 लोग 60, 62, 65, 69 ईयर के लोग भी हमारे साथ साइकिल रैली में थे, और ये सब लोग 120, 150, 180 किलोमीटर तक डेली साइकिल कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ